नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनार के पत्तों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनार का ना सिर्फ फल बल्कि इसका छिलका, बीज, जड़ और पत्तियां भी बहुत लाभकारी होती है, लेकिन लोगों को इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसके पत्तों से होने वाले लाभों से वह वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अनार के पत्ते किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, अनिद्रा का इलाज करने के लिए आप अनार के पत्तों का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। अनिद्रा का इलाज करने के लिए अनार एक शानदार जड़ी बूटी है। दोस्तों, 3 ग्राम अनार की पत्तियों को पीसकर 200 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 न रह जाए, और सोने से पहले इस मिश्रण को पिएं। इसके अलावा दोस्तों, अनार के पत्ते के स्वास्थ्य लाभों में से एक है पाचन क्रिया में मदद करना। जी हाँ, पेट दर्द जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने के लिए अनार की पत्तियों से बनी चाय का सेवन किया जाता है। आप चाहें तो अनार के पत्तों से बने कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जिन्हें दस्त की समस्या है। जी हाँ, और अनार के पत्तों के रस से आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। दोस्तों, दस्त के उपचार के लिए आपको अनार के पत्तों का किस प्रकार उपयोग करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अनार के साथ अनार के पत्तों का रस पीने से खसरा और एक तो आंतों की समस्या जैसे दस्त के इलाज में मदद मिलती है। अनार के पत्तों का रस बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि अनार के पत्तों में कई एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। दोस्तों, अनार के पत्तों का उपयोग दस्त को भी दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जिन्हें दस्त की समस्या है। दोस्तों, अनार के पत्तों के रस से आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। अनार के साथ अनार के पत्तों का रस पीने से खसरा और आंतों की समस्याओं जैसे दस्त के इलाज में भी मदद मिलती है। अनार के पत्तों का रस बहुत उपयोगी होता है क्योंकि अनार के पत्तों में कई एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक्जिमा के लक्षणों में से एक है सूजन, जो त्वचा पर छोटे फफोले का कारण बनती है। दोस्तों, एक्जिमा का इलाज करने का प्राकृतिक तरीका फफोले पर अनार के पत्तों का पाउडर लगाना है। अनार के पत्तों का उपयोग करने के अलावा आप ग्राविओला यानी कि रामफल की पत्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनार के पत्तों को खांसी के इलाज के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। अनार के सूखे पत्ते, कली, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च 2-3 लें। सभी सामग्री को पानी में उबालें और कुछ मिनटों के लिए पकाएं। इसके बाद इस काढ़े को छानकर उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको खांसी से आराम जरूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, 20 से 25 ग्राम अनार के छिलके के पत्ते को साफ करें और धोएं। इन पत्तों को क्रश करें और इन्हें 400 मिलीलीटर पानी में मिलाएं। जब तक पानी की मात्रा 1/4 से कम न हो जाए तब तक इसे पकाएं। इसके बाद पानी को छानें और उससे गरारे करें। दोस्तों, इससे आपके मुँह के छाले दूर हो जाएंगे और मुँह के छालों का ये बहुत ही अच्छा उपाय साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों, यह कान दर्द से भी आपको राहत दिला सकते हैं। जी हाँ, आपको करना क्या है कि 10 से 15 ग्राम अनार के पत्तों को धोना है और साफ करना है। इन पत्तों को मसल कर इनका रस निकालना है। इसके बाद बराबर मात्रा में तिल के तेल में रस को मिक्स करना है। अब इस मिश्रण की केवल 1 या 2 बूंद कान में डालें। इससे कान के दर्द से आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, अनार के पत्ते त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। जी हाँ, 1 लीटर पत्तियों का रस लें और 0.5 लीटर तिल के तेल में पकाएं। कम लो पर पकाएं और जब तक कि पानी निकल ना जाए नियमित रूप से मालिश करने से इस तेल का प्रयोग करें। इस प्रकार से इस्तेमाल किए गए अनार के पत्तों को दोस्तों त्वचा के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जानकारी अनार के पत्तों के बारे में, किस किस प्रकार से इसको फायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है और किस किस प्रकार से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।